19 मार्च को होली के दिन निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तार और केबल को ऊंचा किया जाएगा, जिसके संबंध में विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी के मेंबरों द्वारा कुछ जगहों पर चिन्हित किया गया है, जहां पर केबल या तार नीचे हैं उसको ऊंचा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बख्शीपुर से रेती चौक तक अंडरग्राउंड केबलिंग हो चुका है और जिस जगह पर तार या केबल नीचे है उसको ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर घंटाघर साइड में डिश वालों के ही केबल हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये बिजली का तार है और कल तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा, जवाब हमको देना है। मुख्यमंत्री जी का शोभा यात्रा निकलने वाला है, क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है? जैसा कि कल डीएम साहब कल एक मीटिंग आहूत किए थे, तो उसमें कुछ कमेटी मेंबर्स द्वारा जैसे एक दो जगह पे चिन्हित करके उन लोगों ने बताया था कि कहीं पे सर्विस केबल वगैरह नीचे है तो उसको थोड़ा ऊंचा सुरक्षित ऊंचाई उसको दी जाएगी। प्लस वैसे तो जैसे ये बख्शीपुर से आप रेती की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अंडरग्राउंड काम हो चुका है, और जहाँ जहाँ जैसे जाफरा बाजार वगैरह की तरफ थोड़ा सा पेंटी लाइन ऊपर है तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा जहाँ जहाँ नीचे है उसको ग्राउंड उसको पांड्याता में बहुत ज़्यादा तार नीचे रहता है सर। घंटा कहाँ पे पांड्याता सर? घंटाघर साइड में जी, घंटाघर साइड में वो वहाँ की वो एक्सेल फर्स्ट उसको देखते हैं, लेकिन कल जो है कल सभी लोग ज्वाइंट कल गए थे वहाँ पे, घंटाघर पे शिकायत मिली थी कि घंटाघर पे कुछ केबल वगैरह नीचे, लेकिन ये पता चला कि जो टिश वाले जो डाटा सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं वो एक्चुअली उनकी केबल रहती है, ये प्रतीत होता है कि वो बिजली की केबल है, तो फिर अगर उन लोग से संपर्क किया गया, यदि वो लोग नहीं अगर उसको ऊपर करवाएंगे तो अल्टीमेटली हम लोग उसको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि यह ऐसा प्रतीत होता है कि खंभे पे जैसे ये हम लोग का तार, बल्कि ऐसा होता नहीं है, रहता उन लोगों का है लेकिन लगता है कि वो हम लोग का, तो बाकी हम लोग का ठीक ठाक ऊँचाई पर। सर कब तक ये तैयारी कर ली जाएगी? ये तैयारी तो हम लोग की चली रही है, आज शाम तक हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर एक राउंड कल फिर से हम लोग जो है उस रूट का भ्रमण करेंगे, और प्रशासन की तरफ से और पब्लिक की तरफ से भी अगर मान लीजिए अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो फिर काम करवाएंगे। अपने साइड से हम लोग का ये रहेगा कि आज शाम तक उसको कंप्लीट करके और डीएम साहब को कार्य को अवगत करवाएंगे।